यदि एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस क्या है? एमपीसी और एमपीएस का एक फॉर्मूला होता है, होता क्या है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक के बराबर होता है। ठीक है, एमपीसी का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, दोनों का इक्वल कितने के इक्वल हो गया, 1 के। अब देखिए एमपीसी का मान आपको पता है, क्या पता है, 0.3 पता है, तो एमपीसी की जगह एमपीसी लिख दीजिए आप, यानी लिख देंगे हम लोग 0.3 लिख देंगे आप, प्लस क्या लिखेंगे, एमपीएस लिख देंगे, बराबर मेरा क्या आ गया, 1 के बराबर हो गया। अब यहां पर एमपीएस बराबर क्या होगा, यहां पर एमपीएस बराबर हो जाएगा मेरा 1 - 0.3 हो जाएगा। अब एक में से 0.3 को हम लोग माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.7 आएगा, तो यहाँ हम लोग हो गया 0.7, यानी एमपीएस बराबर आ गया हमारा 0.7, और ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके हाँ सर, देखिए क्वेश्चन अमन सिंह भैया तो इधर नहीं बनाए, देखिए यदि एमपीएस का मान 0.4 है, यहाँ एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, एमपीएस बराबर क्या दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, निकालना क्या है, एमपीसी निकालना है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट हम लोग लिखेंगे पहले, क्या जानते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 के इक्वल होता है। अब देखिए एमपीएस का मान आपको पता है, यहाँ पर एमपीएस का मान आप लोग यहाँ पर पुट कीजिएगा, 0.4 क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो MPC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 1 - 0.4 आएगा। अब एक में से हम लोग 0.4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0.6 बचेगा, यहाँ क्या हो गया, 0.6, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बना लेते हैं, 2 मार्क्स आ जाएगा, एक नंबर भी कटेगा नहीं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में MPC 0.75 है, देखिए यहाँ MPC का मान दिया हुआ है, क्या है यहाँ, 0.75 दिया हुआ है आपको, ठीक है, एमपीसी दिया है, आप लोग एमपीएस निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, निवेश में 500 करोड़ रुपया की वृद्धि करने से, निवेश में क्या किया जा रहा है, 500 करोड़ की वृद्धि की जा रही है, यानी कि चेंज हो रहा है, और चेंज को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से दिखाते हैं, समझ में आया, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, और यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, निवेश में, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, यानी डेल आई बराबर क्या हो गया, 500 करोड़। अब निकालना है राष्ट्रीय आय, उपभोग तथा बचत में कितनी वृद्धि होगी, यानी यहाँ भी कितना चेंज होगा, यानी कि एमपीसी में, एमपीसी आपका दिया हुआ है निवेश में चेंज हो रहा है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग चेंज करने से मेरा नेशनल इनकम में कितना चेंज आएगा, यहाँ पर उपभोग में कितना चेंज आएगा, बचत में कितना चेंज आएगा, वो निकालना है। चेंज का मतलब होता है डेल्टा, यानी दिया क्या क्या है, उनको निकालने के लिए क्या बोला गया है, डेल्टा वाई बोला है निकालने के लिए, डेल्टा सी बोला है निकालने के लिए, सी का मतलब होता है कंजम्पशन यानी उपभोग, और बचत मतलब डेल्टा एस बोला गया है निकालने के लिए। अब एक एक करके निकालते हैं, देखिए अगर हमको डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा वाई, देखिए डेल्टा सी कब निकलेगा, समझिए यहाँ पर, देखिए एमपीसी बराबर आप लोग को हम पढ़ाए क्या क्या है, एमपीसी बराबर आप लोग को बताए थे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है एमपीसी बराबर, डेल्टा सी वाई होता है डेल्टा वाई, समझ में आया, एमपीएस बराबर क्या होता है, एमपीएस बराबर होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या स्पष्ट हो गया, एमपीसी दिया है, डेल्टा सी पता होना चाहिए, डेल्टा वाई पता होना चाहिए, हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा सी निकाल सकते हैं, मतलब वाई खाली अगर हम लोग इनकम निकाल लें, नेशनल इनकम निकाल लें, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि मेरा डेल्टा सी क्या हो। अब डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो समझ लीजिए, के बराबर, के का मतलब होता है निवेश गुणक, ठीक है, के बराबर क्या होता है, निवेश गुणक होता है। अब के बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, यहां भी एक कंफ्यूजन हो गया सर कि के का तो मान ही नहीं पता है और डेल्टा वाई भी नहीं पता है, खाली डेल्टा आई पता है, लेकिन यहाँ भी एक चीज हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है, के बराबर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, 1 - 1/1 - 1 MPC, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को एमपीसी का मान पता है, तो हम लोग के का मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, समझिएगा कैसे बनेगा।
के बराबर है 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। तो देखिए 1 बाय एमपीसी का मान कितना है 0.75। देखिए 1 माइनस 0.75 यहां लिख लेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 को आप 1 से भागा दोगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे समझो 25 पैसा को अगर आप 4 भागों में बांटोगे तो 1 रुपया बनता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 25 पैसा 1 रुपया को भागा देंगे तो 4 आएगा, यानी k बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए k का मान पता चल चुका है आपको, आप लोग को i का भी मान पता है। तो देखिए डेल्टा y निकाल सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग आएंगे सेकंड फार्मूला में आएंगे, पहला फार्मूला का काम खत्म, सेकंड में आ जाइए। k बराबर हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डेल्टा वाई के का मान पता है कितना 4 दिया है, 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा वाई कितना निकला हुआ है 500 दिया है, यहाँ 500 लिख दीजिए। आगे बढ़िए देखिए, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 आप दे सकते हैं, 1 दे देते हैं तो क्रॉस करते हैं तो डेल्टा वाई को 1 से करेंगे क्या आएगा, डेल्टा वाई गुने 1 कर दीजिए इधर हो जाएगा 500 गुने 4 हो जाएगा, ध्यान लिख दीजिए 500 गुने 4। समझ में आ गया यहां तक, आगे समझिए डेल्टा वाई को 1 से गुना कीजिए क्या आएगा डेल्टा वाई, 500 को 4 से गुना करेंगे क्या आएगा 500 को 4 से करेंगे तो 2000, यानी 2000 रुपया मेरा यहां क्या है 2000 करोड़ रुपया क्या आ गया डेल्टा वाई आ गया, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आ गया। अब आता है सर कि डेल्टा सी आप बताइए भी नहीं किया। देखिए डेल्टा सी बताने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला में आएंगे, एमपीसी वाला में, आप तीसरा फॉर्मूला हम लोग जंप करते हैं। एमपीसी बराबर हम लोग जानते हैं क्या है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीसी का मान क्या दिया हुआ है 0.75। डेल्टा सी का मान तो निकालना है, डेल्टा वाई का मान 2000 करोड़, यहां लिख देंगे 2000 करोड़ लिख देंगे। तो यहां पर क्या करना है, यहां भी क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा सी इधर आ जाएगा 2000 गुने क्या लिखेंगे 0.75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा बताइए, 20 75 सही है। हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या बता रहे नहीं समझ आ रहा है, तो क्या हो गया है कट जाएगा 00 क्या हुआ कट गया। अब 20 को 75 से हम लोग गुणा करेंगे तो 75 दूनी कितना होता है 150 होगा कि नहीं 1500 होगा 150। तो यहां पर कैसे आ गया आप लोगों का, आप लोग बोल दिए कि सर कुछ और बोल दिए, देखिए 1500 करोड़ रुपया आ गया, यानी कि यहां क्या आ गया डेंसी 1500 करोड़ रुपया आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डेल्टा एस निकालना है। देखिए डेल्टा एस हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं निकालते, हम लोग इससे भी आसान फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या था, वन बराबर था। तो यहाँ 1 है तो पहले आपको एमपीएस पता होना चाहिए, एमपीएस पता रहेगा तभी तो निकालेंगे ना हम लोग, क्या निकालेंगे हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ताकि आप लोग बना पाइए, ठीक है थोड़ा सा देखें 1 बराबर जानते हैं, एमपीसी पता है कितना 0.75 होगा, प्लस एमपीएस हमको पता निकालना है। सर हो सके तो 2 मिनट बाहर चले जाते तो ज्यादा अच्छा। एक माइनस क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, तो एमपीएस बराबर क्या हो गया 0.25। अब फॉर्मूला में आ जाइए, आप क्या बताए थे एमपीएस बराबर डेल्टा एस वाई
डेल्टा वाई जानते हैं। अब देखिए एमपीएस आप लोगों को पता है कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 लिख दीजिए। डेल्टा एस पद निकालना है, डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है, कितना निकाले 2000 करोड़, या नीचे लिख दीजिए 2000 करोड़। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, 2000 को हम लोग गुना करेंगे 0.25 से, देखिए क्या आता है, 0.25 को 2000 से करते हैं क्या आएगा, 25 × 50 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा 500 रुपया आ जाएगा, यानी डेल्टा एस बराबर आ गया 500 करोड़। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।